हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है ये जीपी का। तो क्वेश्चन चलो क्या देख लेते हैं। इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। मतलब हम लोग के पास टोटल 64 टर्म्स है और उसमें क्या बोला है, 64 टर्म्स का जो सम है वो इक्वल्स टू है किसका, 7 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द ऑड टर्म्स। ओके, तो चलो मान लेते हैं कि वी हैव द 64 टर्म्स a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते कहां तक पहुंचे हैं, a64 तक। इसको a63 ले लेते हैं एंड डॉट कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरह का सिचुएशन है हम लोग के पास। तो अगर अगर आप जनरल टर्म्स लेते हैं लाइक a r square, a r cube, a r का पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते कहां तक जाते हैं हम लोग, a r का पावर 62, a r का पावर 63। ये हम लोग के पास टोटल 64 टर्म्स एंड वी हैव सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो s ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ a1, a3, a5 एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे लास्ट टर्म, a ऑफ 63। सारे और टर्म्स का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो S64 का जो जनरल फॉर्मूला होता है SN का, क्या होता है, a into r का पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा SN का फॉर्मूला, दिस इज व्हाट द फर्स्ट टर्म इज a into r का पावर n, n मतलब टोटल कितने टर्म्स है, 64 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, जो कि इक्वल है 4 टाइम्स नहीं 7 टाइम्स था। देखो थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत। ओके, दिस इज 7 एक्चुअली, तो 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ दीज टर्म्स। तो अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, फिर ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म एंड अप टू कहां तक, द लास्ट टर्म इज a 60 a r का पावर 62। मतलब टोटल 64 टर्म्स है, दैट इज उसका आधा ऑड होगा और आधा इवन होगा। तो आधा का मतलब 32 ऑड और 32 इवन। तो टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा इस केस में, सम ऑफ a1 a3 a63 तक 32 टर्म्स हो जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो है r स्क्वायर। देखो इसमें r स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसमें r स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये आएगा, सॉरी r स्क्वायर ऐड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, कॉमन रेशियो कितना है आर स्क्वायर और टोटल टर्म्स कितने इसमें 32 है, तो इसका पावर n के जगह पे 32 लिख देंगे, माइनस 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया हम लोग का, सेम फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने यहाँ पे भी, इस बार n के प्लेस में 32 अप्लाई किया और कॉमन रेशियो के प्लेस में आर स्क्वायर अप्लाई किया। तो देखो ध्यान से, दिस इज ऑल्सो आर स्क्वायर का पावर 32 का मतलब आर का पावर 64। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ए का काम खत्म और ये जो ऊपर का टर्म है ना और ये ऊपर का टर्म है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो आर का पावर 64 माइनस 1, आर का पावर 64 माइनस 1। यहाँ पे और भी कुछ कैंसिल होने वाला है, चलो वो भी देख लेते हैं। दिस इज 7 इंटू 1 बाय दिस इज आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1। तो ये r माइनस 1 वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, r प्लस 1 इक्वल्स टू 7, दैट मींस r इक्वल्स टू 7 माइनस 1 इज 6। तो हम लोग का जिसका सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर है, वो क्या है, कॉमन रेशियो इज 6 हो जाएगा। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।